molecular biology was a new discipline, and it was with great difficulty that I educated people. तो मैं बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपके ये medical rep होते हैं ये जाते हैं और अपना product introduce करते हैं, मैं उसी तरह molecular biology को इस्लामाबाद में जाया करता था और secretaries को ministers को ये फिर सक्सेस इतनी हो गई कि वो अब मैं जाता ही था तो बात करते थे कि अच्छा जी व्हाट इज न्यू इन मॉलिक्यूलर बायो एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आखिरी तीन सेगमेंट जेनेसिस इनिशियल चैलेंजेस और वीएन 2015 पाँच साल का मनसूबा आप अक्सर सुनते हैं कि गवर्नमेंट भी बनाती है तो मैंने सोचा यार हम भी कर लेते 2008 में we worked on it and developed a vision which was to mature in 2015 but as I said I left before that in 2010 so I will not talk about that I will leave it to people to think about it work on I said in the beginning and I repeat again that this is a very novel institution in many respects और एक खुशकिस्मती इदारे की या मेरी उसके साथ है कि वी आर दी फर्स्ट वन टू डू मेनी थिंग्स जैसे मोलेक्युलर बायोलॉजी तो पहले इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया हुई उसके बाद स्टेम सेल रिसर्च जो है वी आर दी फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस और बड़ी चीज़ें कि मैं उस पर आऊँगा आहिस्ता आहिस्ता लेकिन पहले मैंने कहा दिस इज नॉवल इंस्टीट्यूशन व्हेन आई से नॉवल इट्स क्रिएशन इज नॉवल Maa Saab referred to the write-up in the site, the CEMP site, वो website जो है वो आप पढ़िए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा इसलिए कि इट इज़ ऑल रिटन देयर लेकिन जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान दड़ाई हो एंड इन मैनी अदर कंट्रीज जो इसी रीजन के कंट्री हैं इंडिया इट वॉज द डिसीजन वॉज टेकन बाई इन अ मीटिंग presented by the President of Pakistan. और उसके बाद जब President ने decision किया तो फिर अब सारी ministries जो हैं वो help के लिए आ गई So this is the only institute जिसको jointly sponsor किया Pakistan Atomic Energy Commission, Pakistan Agriculture Research Council, Ministry of Science and Technology and University of Punjab. मेरी services were transferred from Atomic Energy Commission to Lahore early 80s mein wo this was as part of this decision university ne archaeology department ka ek floor diya jisko humne convert kiya into center then called for advanced molecular biology aur isi tarah pakistan science foundation ne us waqt 1 lakh rupaye ki grant di ministry of science and technology contribution main abhi dikhata hu aur uski wajah se ye rehan yahan baitha hua hai लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें आई पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल PERC से USAID की सपोर्ट थ्रू PERC क्योंकि उनको एक फेडरल इदारा चाहिए था सपोर्ट करने नाउ अनदर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन कि दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट व्हिच वाज लॉन्च्ड और स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन बाय एन इंटरनेशनल सिम्पोजियम in which two Nobel laureates participated and three scientists were awarded Nobel prizes later. So five Nobel laureates हैं वो इसमें participate किए इसमें number two Ham Smith है और उधर जो number one है वो Watson है Jim Watson का नाम आपने बहुत सुना होगा जो DNA का structure जो है ये ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि हमारे यहाँ ही चलता था ये उसी पहले दिन ही इनॉग्रेशन के बाद खाना दिया गवर्नर साहब ने जो कि चांसलर होता है तो वहाँ खाने पे डिस्कशन हुई कि मोलेक्युलर बायोलॉजी एक नया इदारा इन्होंने स्ट्रॉन्गली रेकमेंड किया वॉटसन ने और स्मिथ ने कि ये बनाया जाए और मुझे इसका डायरेक्टर बनाया जाए तो बल्कि वॉटसन ने ये कहा कि जी मैं आई विल गिव फुल सपोर्ट एंड आई लाइक टू सी दिस इमर्ज एज मेनी पोर्ट्स इन हार्बर ऑफ एशिया इसलिए फिर हमने जो भी प्रोग्राम डेवलप किए
वो सिमिलर टू कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब. कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब जो है ये इवन इन द यूएस इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन. जिस तरह यहाँ किसी ने कहा कि कहीं भी कोई आपको बंदा मिले तो वो CMB से ट्रेनिंग करके गया होता है, इसी तरह यूरोप यूएसए में कोई भी आपको अच्छा साइंटिस्ट मिले तो वो कोल्ड स्प्रिंग हार्बर में ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करके आया होता है. ये वॉटसन की खूबी थी कि हर साल उसने एक सेक्शन लेदर बनाया हुआ है जिसे कहते हैं मीटिंग सेक्शन, जिसका काम ही सिर्फ यही है. वो भी और हमने भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो की, अभी एक मिनट में बताता हूँ, लेकिन अभी जो बात की है कि ये पेड़ थे, यानी ही वर्क्स हार्ड एंड आई वर्क हार्ड टू गेट फंडिंग फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड. और उसके बाद लोगों को बुलाते थे फिर आइए हम आपको ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आने जाने का किराया भी हम देंगे, यहाँ रहने का भी हम देंगे और जो एक्सपेंडिचर है कोर्सेज वो भी देंगे. और हर कोर्स में 16 से 20 पार्टिसिपेंट्स होते थे. एंड शुरू में तो हम 3 से 4 सच कोर्सेज एवरेज करते थे, फिर ग्रेजुअली कम करते गए जैसे जैसे लोग बनते गए. ये वॉटसन जो है ये अपने इम्प्रेशन लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं जस्ट टू टेल यू कि शुरू से ही इस इदारे के जो कॉन्टेक्ट थे वो जो मोलेकुलर बायोलॉजी में टॉप नाम है ना, वॉटसन अगर कुछ लोगों को नहीं याद है पर्सन हु प्रपोज एंड गॉट ए नोबेल प्राइज ऑन द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ DNA. ये है अनदर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ CMB. मैं यूज़ करता हूँ लफ्ज़ के जी गोल्डन पेजेज ऑफ हिस्ट्री इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ CMB. ये सेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और सॉरी ये इस साइड पे जो है ये सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और दरमियान में हमारे वाइस चांसलर हैं. दे आर साइनिंग एन MOU विद जो आप कह लीजिए कि ये एग्रीमेंट है. ये ड्राफ्ट मैंने किया था, मुंशीउद्दीन साहब ने बड़े जेनरसली इसको साइन किया. किसी ने पूछा है कि जी आपने पढ़ा इसको, तो जवाब था इनका कि जी दो ही डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने जिंदगी में नहीं पढ़े. समझ गए होंगे तो एक उनका मिटा नाम इसकी बदौलत रेहान साहब याद रहे. दूसरा जो था MOU वो साइन किया डॉक्टर अमीर मोहम्मद देन चेयरमैन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल एंड सेक्रेटरी एग्रीकल्चर टू द फेडरल गवर्नमेंट. इसके साथ ही अभी खबर बैठा हुआ है USAID से. तो इस मीटिंग में ये तय पाया कि US विल सपोर्ट CMB's ग्रोथ. इक्विपमेंट सारा उन्होंने दिया शुरू का, पता नहीं यहाँ फारूक साहब है कि नहीं है, है तो वो जो शुरू में आपको हमने DNA सिंथेसाइजर लेके दिया था वो USAID से आया था जो आप ऑब्सोल्यूट होता है. तो दिस इज अनदर MOU. सो बेसिकली इदारा जो है उसकी दो फेडरल इदारों के साथ अपना एग्रीमेंट हुए और उन्होंने कहा कि हम परसिस्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली सपोर्ट करेंगे. तो ये जो इनिशियल चैलेंजेस थे ना जिसमें फाइनेंसिंग सबसे बड़ा होता है वो बहुत हद तक ओवरकम हो गया. तो इदारे की फिर ये है नीचे आप पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर. मेरी लाइफ टाइम में सिर्फ दो हुई थी, एक अब और एक BN 2015 के लिए. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये होता है कि आप बोर्ड की मीटिंग में जो नॉन मेम्बर्स हैं उनको भी बुलाते हो एंड दे पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. लीगली आप नॉन मेंबर्स को नहीं बुला सकते, अगर बुलाते हो तो सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर बैठते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं. लेकिन ये दिस वाज प्रेजेंटेड बाय द देन फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. आप देखेंगे वो जो शामी साहब के साथ बैठे हुए हैं हुसैन दाऊद. तो शुरू से ही हमने इसमें दो इंडस्ट्रियलिस्ट रखे जो कि जो आपका 1974 के एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है BOG के उसमें कोई नहीं.
हमारा सैयद बाबरली और ये अपना ये पहले दिन से ही अपना देवर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, सो दैट मीन्स के हमारे जेन में था यदि इवेंचुअली हमने इसकी एप्लीकेशन पर जाना, दो इनिशियली और फोकस ऑन बेसिक रिसर्च, क्योंकि बेसिक रिसर्च से आपको ग्रांट मिलती है। ये था जो नक्शा उस वक्त डेवलप किया जिस बिल्डिंग में ग्राम बैठते हैं, ये आप देख रहे हैं जी चार कंपोनेंट है इसके। दिस इज अगेन यूनिक, आपको मेरा ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं मिलेगा, और मुझे जनरल मुहैद्दीन जो हमारे मेंबर थे बोर्ड के, उसने कहा यार ये अनकन्वेंशनल है, हम अप्रूव कर देते हैं किसी आप कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये फंक्शनली ठीक होगा कि नहीं होगा। ये मैंने अनकन्वेंशनल कहा, नॉर्मली पता क्या होता है, आप सब जानते हो कि जो लैब्स होती हैं एक लंबा कॉरिडोर होता है, इसके इधर भी लैब, इधर भी लैब, और दरमियान में आप लोग जाते हो, सारे इदारे आपको PCSER से लेने कहीं मिले ऐसे मिलेंगे। तो इसको हटते किया, और दिस वॉज अप्रूव थ्रू ए नेशनल कॉम्पिटिशन। मैंने कुछ गाइडलाइंस तैयार की, वो उस पर लेक्चर दिया उनको अबाउट 20 आर्किटेक्ट्स को, और उनमें से एक बंदा जिसने ये डिज़ाइन दिया उसको हमने सेलेक्ट किया, एंड दिस वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड बाई आखा फाउंडेशन फॉर द अवार्ड ऑफ आर्किटेक्ट। पूरी क्या है, आप सब यहाँ हो, मेरा ख्याल है आप इतने बारीक बीनी से देखते होंगे कि इसके बाहर डोम बने हुए हैं और ऊपर भी एक डोम बना हुआ है। ये जो चार आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हैं जो मेरा अप्रूव्ड एरिया था, एंड ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 4,900 स्क्वायर फीट, मैं 5,000 कहता हूँ, तो 5,000 से ही हम जनरली कहता हूँ कि 20,000 एरिया, लेकिन टोटल 30 बनता है। इन 20 के जो दरमियान है ना, जो कि कवर्ड एरिया नहीं था, फर्श बना के ऊपर डोम डाल दिया, और वो आप बड़ा इस्तेमाल कर रहे हो मीटिंग के लिए और चाय के लिए, पता चाय वहीं होती है। तो ये तो छोटी खूबी बताई, बड़ी खूबी पता क्या है, ये जो डोम नज़र आ रहे हैं ना, रफीक साहब कहते हैं कि रियाज साहब आप ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें आपकी साइंस भी नज़र आए और इस्लामिक शख्स भी नज़र आए। तो ये डोम इस्लामिक के लिए, बट देन दे रिप्रेजेंट मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। अगर आप ऊपर से हेलीकॉप्टर में इसकी तस्वीर लें ना, तो ऐसे लगता है जैसे एक मॉलिक्यूल जमीन के अंदर से ना बाहर निकल रहा है। अच्छा, ये फिर मैं एक चीज भूल गया कि इस पे एक्सटेंशन की रखी थी प्रोविजन कि इसके ऊपर चार आप और बना सकते हो, 3 मंजिला की फाउंडेशन जो है वो बनाई गई थी, लेकिन फिर फॉर रीजंस अनएक्सप्लेनेबल ही है, वो एक उधर और ऐड कर दिए, दो इन्होंने ऐड कर दिए, एक सेंटर फॉर वायरोलॉजी और एक मेरा ख्याल शायद फॉरेंसिक का था, ये दो वहाँ ऐड हो गए। तो यानी ज़मीन पे ही ग्रोथ शुरू होगी, जबकि मेरे ध्यान में था कि हम ऊपर जाएंगे ताकि ज़मीन कम से, ये ज़मीन दिस इज अनदर उषा कहाँ दिस इज अनदर चैलेंज के जी अपना ज़मीन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से विच वॉज द प्राइस लैंड, ये 60 एकड़ है, थोड़ा सा इसमें से हमें देना पड़ा, जो लोग इसको इसमें पे कब्जा कर रहे थे, बाहर दीवार बनाने के लिए भी एक और बड़ी लंबी स्ट्रगल थी, और ये CDWP में अप्रूव हुई, और जब अप्रूव हुई तो उस वक्त किसी ने कहा जी कि आप इसको डिस्कस कर रहे थे, ये तो ऑलरेडी बन चुकी ही है। तो कहने का मकसद ये था कि हर चीज़, मैं आने से पहले मुआज का बता रहा था कि यहाँ टेलीफोन वॉज ए बिग चैलेंज, बिजली जो है वो चैलेंज, लोगों का आना जाना वॉज ए चैलेंज, रात को ये जो एरिया है ये सेफ नहीं था, जो लोग अंधेरे हो जाता था वापस जाते थे, तो दे जनरली यूज टू गो इन ग्रुप्स, दो दो तीन तीन इकट्ठे हो गए, अकेले नहीं जाते, और ये बाकी खतरनाक था। कंपोनेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, इसमें CEMB 1986 में। अच्छा, मैं एक चीज़ और आई भी और इस स्लाइड में भी आप देखोगे कि द वर्ड CEMB एंड CAMB आर यूज्ड इंटरचेंजेबली।
जिस तरह घर में बच्चे का नाम जब पैदा होता है ना तो उसको निकनेम दे दिया जाता है, फिर जब बड़ा होता है तो आप उसको थोड़ा सा बदल देते हो, जब माशाल्लाह पीएचडी कर लेता है तो आप उसको डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ये सीएएमबी का जो पहला नाम था वो सीएएमबी था। एक जगह मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिखा हुआ है, द पर्पज वाज टू रिप्रेजेंट ऑल थ्री। उसके बाद सीएएमबी, सीएएमबी एंड लैम। लैम जो है ये पीआरसी का बेबी था, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, इनकी बिल्डिंग नहीं थी, हमने अपने ही एक बिल्डिंग में उनको अकोमोडेट किया। सी ए एम बी जो है इनके दो यूनिट थे, जो भी आपने चार देखे, और दो थे सी ई एम बी के टुगेदर विद द एडमिनिस्ट्रेटिव या लाइब्रेरी सेक्शन जो इधर बना हुआ था। तो इस तरह तीनों की एक ट्रायल एंगल बन गई। इनके पेरेंट जो था वो सी ई एम बी था। जब मैं पेरेंट कह रहा हूँ तो मतलब ये है कि उसका डायरेक्टर इन तीनों को रन करता था, और जो रूल्स सी ई एम बी में अप्लाई होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस एंड वर्क रूल्स, वही इन दोनों में होते थे। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपने रूल्स हैं, किसी की मजाल नहीं कि उन रूल्स को वायलेट करें, लेकिन ये अल्लाह ताला का बड़ा करम था बड़े कि तीनों में हमने होमोजीनियस बनाने के लिए एक ही रूल जो है वो अप्रूव करवाए अथॉरिटीज से और उन्हीं को इन्वॉल्व किया। सो तीनों इदारे मिल के ना एज वन बॉडी, एज वन फैमिली काम कर रहे थे, और फिर हमने खुद ही डिवाइड कर लिया कि भी ये जो है सी एम बी ये ज़्यादा फोकस करेगा अपना इस पे बेसिक रिसर्च पे, क्योंकि ये टीचिंग इदारा है और इसी में टीचिंग होगी। सो जहाँ भी आप टीचिंग कर देखोगे वो सी एम बी की आएगी। जब इसकी एप्लीकेशन की बात होगी तो फिर सी एम बी या लैम्प। एग्रीकल्चर की बात होगी तो लैम्प, हेल्थ और इंडस्ट्री की बात होगी तो सी। तो इस तरह हमने विद इन आर सेल्फ ये डिवाइड कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे जाने के बाद इट वॉज मिस इंटरप्रेटेड और उससे सी ई एम बी को बहुत नुकसान हुआ, जो मैं आज इसमें नहीं डिस्कस करना चाहता। इन एनी केस, एक और जो यूनिक चीज़ थी वो था इसका सेटअप, फंक्शनल सेटअप। ये इदारा जो है, मैं चांसलर तो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड था एज चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पावर थी सारी, लेकिन जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो सारी पावर डायरेक्टर को थी। डायरेक्टर ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए मासा और शेयरिंग के लिए और विजडम और बढ़ाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई थी, बोर्ड से अप्रूव करी, और ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है बिल्कुल जैसे आपके टर्मिनोलॉजी में होता है, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है चेयर बाई दी डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। उससे पता ये होता है कि एक की बजाय आप पांच बंदे मिलके फैसला करते हो, और जब कोई चीज़ ज़्यादा क्रिटिसिज्म पे आए तो फिर वो जो है ना डिवाइड हो जाती है कि पांच ने किया है, अकेले बंदे ने किया। तो इट वर्क एक्सट्रीमली वेल। लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड द डायरेक्टर एंड द सेंटर दे वर एडवाइज्ड बाय टू कमेटीज, एक नेशनल रिव्यू कमेटी। नेशनल रिव्यू कमेटी, हमने कहा कि हमने इन आइसोलेशन काम नहीं करना है, ये सब बहुत सारे इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो सो पीएसी से, पीसीएसआई या पीआरसी और यूनिवर्सिटी से तो 11 के करीब हमने बंदे रखे हुए थे जो आके फिजिकली एवरी ईयर फिजिकली हर एक के साथ बैठ के तो उनका काम रिव्यू करते थे और एक रिपोर्ट दे रहे थे कॉन्फिडेंशियल टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो फिर हम अपने बैठिंग के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को प्रेजेंट करते। इन एडिशन टू द नेशनल रिव्यू कमेटी देयर वाज एन इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी, वो भी रिव्यू करती थी, और उसमें आप जैसे देखते हैं कि जिम वॉटसन था, रिच रॉबर्ट्स था, इसमें तीन नोबेल लॉरिएट्स थे, डेरिक ग्रॉसमैन था, और जब बाकी के तीन हैं पीपल प्रोफेसर ऑफ एक्सेप्शनल एमिनेंस, लैरी ग्रॉसमैन है, लैरी लोब है, मोहम्मद अबू है और जीन नेस्टर। और ये हर दो साल बाद फिजिकली जिम एक ही दफ़ा आया, लेकिन हैम स्मिथ जो है तीन दफ़ा आया, फिजिकली विजिट करते थे और स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उनका काम देखते थे और उनका जो प्लान अगला वो देखते थे। तो ये एक बड़ा एंथुसियास्टिक माहौल पैदा होता था कि हम उनके साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आखिरी बात, जो प्रोग्राम जो हम अभी दिखाऊंगा डेवलप किए वो इन एडवाइसेस के बेसिस पे,
हमने फोर फंक्शन अपने लिए डिसाइड किए, मैन पावर डेवलपमेंट प्राइमरीली, नॉट ओनली फॉर द सेंट्रल ओनली बट ऑल्सो फॉर द एंटायर कंट्री, बल्कि द रीजन. तो हम ये किए थ्रू टू राउट्स, ए शॉर्ट स्पेशलाइज ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन द पैटर्न ऑफ कोर्स इन हार्वर्ड मैथ्स कोर्सेज, जो हम साल में शुरू में 3 से 4 किया करते थे, ईच कोर्स फॉर 16 to 20 पीपल, जिसमें से 4 यूनिवर्सिटियों से आते थे पार्टिसिपेंट, 4 R&D ऑर्गेनाइजेशन से, 4 इदारे के अपने और 4 नेबरिंग कंट्रीज से. स्पॉन्सरशिप जो थी विद इन द कंट्री जो थी वो अपने नेशनल एजेंसी से थी, PSF से थी, BAEC से थी और HEC, उस समय UGC का लगता है, UGC थी. लेकिन जो बाहर से लोग आते थे वो प्राइमरीली जो है WHO है, TWAS है, SAARC हेड ऑफिस है, ISESCO है, UNESCO है, इनसे फंडिंग हम लेके उन बंदों को स्पॉन्सर करते थे और ये 16 के 16 जो है ये फ्री आके ट्रेनिंग करते थे. द पर्पज वॉज ए टू पॉपुलराइज साइंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बी क्रिएट ए कैडर ऑफ स्पेसिफिकली ट्रेन मैन पावर इन दिस रीजन, और सी अपना इदारे की जो जिसे आपको होगा मशहूरी. तो इसमें खासी कामयाबी रही. इन एडिशन टू दिस ट्रेनिंग कोर्सेज, फिर आई फॉलोड अनदर अप्रोच के जो इस मुल्क में और इस मुल्क से बाहर बड़े अहम लोग हैं. अब इस मुल्क में जब आप अहम लोग की बात करते हो ना, तो वे या तो आपके मिनिस्टर्स होते हैं या आपके सेक्रेटरीज होते हैं. तो उन सब को यहाँ बुलाता था ए टू शो अस के जी हम क्या कर रहे हैं इन ए पॉपुलर मैनर, यानी हार्ड कोर साइंस नहीं. उसको ये नहीं बताता था कि जी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, DNA रिस्ट्रिक. मैं एक काम जो था बड़ी कुछ उसलूबी से करता था कि जब मैं किसी नॉन साइंटिस्ट से बात करता था तो टोटली उस लैंग्वेज में जो वो अंडरस्टैंड करता है, और जब साइंटिस्ट बाहर से आते थे उनसे बात करते थे तो अब ये टोटली डिफरेंट होता था. ये इट वर्क वेरी वेल एंड वेरी सक्सेसफुली कि विद इन 3 to 4 ईयर्स ये सेंटर जो है ये नॉट ओनली विद इन पाकिस्तान बल्कि इन द रीजन वॉज लुक्ड अपॉन एज सेंटर इन द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड. सिर्फ नाम का नहीं है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, बल्कि वाकई इंडिया से लोग वर्कशॉप ये शुरू में तो पहला किया जिसमें जिम वॉटसन एम्स भी आए थे. फिर हम हर 2 साल के बाद करते थे, हर 2 साल के बाद जब ये सिंपोजियम करते थे तो जो हमारे फॉरेन एडवाइजरी मेंबर्स थे वो भी साथ मिलाते थे, तो हमारा रिव्यू प्रोसेस भी इसी के साथ होता. जो ये तो है टीचिंग के हिसाब से, और गोल ओरिएंटेड रिसर्च. जब मैं गोल ओरिएंटेड कहता हूँ ना तो ये मैं मुझे रेहान ने उस दिन कहा डूज एंड डोंट्स. तो एक चीज़ जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़े एम्फैटिकली कहता हूँ वो ये है कि यार आप कोई अपना गोल जो है ना वो फिक्स करके चलोगे. जी मैंने फैसलाबाद जाना है, मैंने जी इस्लामाबाद जाना है, मैंने जी मुल्तान जाना है, तो आपके डेस्टिनेशन गोल जो है वो डिसाइड हो, उसके बाद फिर आपका रूट डिसाइड हो कि आपने GD रोड से जाना है कि आपने मोटरवे से जाना है, ताकि आपका जो असेसर है जो रिव्यूअर है उसके लिए आसानी हो. अगर आप कहते हो जी मैंने इस्लामाबाद जाना है और मोटरवे से जाना है, तो 3 दिन के बाद अगर आप पहुँचे वो उखाड़े तो कहते हैं आप तो कहीं और जगह पे जा रहे हैं. तो दैट इज़ वेयर वी स्टॉप द स्टूडेंट. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी गोल शुड. मैंने इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गोल ओरिएंटेड. इट डजंट नेसेसरली मीन अप्लाइड रिसर्च, इट कुड मीन बेसिक रिसर्च, बट द गोल हैज़ टू बी डिसाइडेड एंड योर एफर्ट्स शुड फोकस ऑन अचीविंग द गोल. तो आपकी गोल ओरिएंटेड रिसर्च जो है ना दैट 4 डोम्स है ना, हमने कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी कि CAMD है और CMD है. दैट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 different areas, plant molecular biology, medical molecular biology, industrial environment and basic molecular biology. But then
एज टाइम पास्ट तो मोलेकुलर बायोलॉजी थैंक्स टू बुशरा एंड अदर मेंबर्स ये आउटग्रो कर गया, मेडिकल मोलेकुलर बायोलॉजी भी आउटग्रो कर गया, और वो जो दो थे बेसिक को मैंने बाई डिज़ाइन कम किया। शुरू में तो ये इसलिए था टू ब्रिंग इन मनी फ्रॉम आउटसाइड, और फ्रॉम आउटसाइड मनी जो है ना वो आपको बेसिक रिसर्च की मिलती है इफ़ यू हैव अ गुड कंपैरेटिव प्रोजेक्ट जो और लोग भी कर रहे हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ बता के कहते हैं कि हम करेंगे। तो दिस इज नॉट एन ईजी जॉब, लेकिन हमारी ओरिजिनल फंडिंग जो थी वो थी अपना DNA रिपेयर के ऊपर, जिसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के मतलब रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन के ऊपर, ये थी वहाँ US नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ग्रुप, इन एनी केस ये हमारे बेसिक डिज़ाइन था, और फिर प्रोडक्शन जो है वो मैं एंड पे डिस्कस करूँगा। लेकिन ये मैं जो अगली 12-15 स्लाइड्स हैं ना, मैं आई जस्ट रन थ्रू जस्ट टू गिव यू ए ग्लिम्प्स कि किस स्टेटस के लोग जो हैं वो सेंटर को विजिट करने आए, कि यू शुड बी प्राउड ऑफ। ये डेवलप कौनसी है, ये उस वक्त असिस्टेंट सेक्रेटरी था, ये बाद में डिप्टी सेक्रेटरी बन गया। ये तैनात तीन जो है ये स्टेट मिनिस्टर तर्की का मिनिस्टर था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये उसमें साथ ही बैठे थे वो मसीह दिन थे। ये अपना जो दरमियान में है ये है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन तहरान से, बिकेम ए गुड फ्रेंड ऑफ द सेंटर, वहाँ से बंदे भेजे, हमें भी इन्वाइट, मैं गया 2-3 दफ़ा। तो ये चूँकि ये मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्ट्री था, उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। ये स्टेट मिनिस्टर चाइना का, उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे। तो ये सारे सारे आपके दायरे में आके बैठे। डीन हिंकन अपना अम्बेसडर USA का, अब ये साइंस के इदारों में तो नहीं जाते हैं लोग, ये तो कहीं और जाते हैं, लेकिन यहाँ ये जिम नॉरिस जो कंट्री हेड है USAID का, इसको बुला के दिखाया कि हम क्या कर रहे हैं, इसका एक्चुअली क्या इम्पैक्ट होगा नॉट ओनली ऑन द सेंटर एंड द कंट्री बट ऑल्सो कंट्रीज ऑफ द रीजन, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसमें नेपाल है, श्रीलंका है, ये सारे के सारे लोग। न सिर्फ ये कि हमने उनको यहाँ बुला के ट्रेन किया, बल्कि आई वेंट आउट टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग कोर्सेज इन बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश भी किए, फिर उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, और इधर अपना इजिप्ट और टूनिसिया, तो सऊदी अरेबिया, तो ये किए जस्ट टू गिव द सेंटर ए नेम एंड क्रेडिबिलिटी। एंड एज ए सेट फिर कुछ देर के बाद ये इट वॉज नो मसीुद्दीन साहब एक दफ़ा बाहर गए, जब वापस आए तो कहने के बाद ये आपका इदारा जो है आउटसाइड देन इन पाकिस्तान, लोग इसको ज़्यादा इज्जत से देखते थे। ये अपना USAID का डेविड स्क्राइग है, क्योंकि फंडिंग नहीं थी USAID से, तो मैं उसके लिए ये द मैन जिसके मैं आप पता नहीं वहाँ साहब पहचानते हैं कि नहीं, उस्मानी साहब हैं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग कहते हैं पहले चेयरमैन, पहले नहीं थे दूसरे थे, लेकिन पहले लंबे 10 साल के लिए ये मेरे आइडियल हैं, ये हैं जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी को स्ट्रक्चर दिया जो अब है। ये द मैन वाज ICS यानी जिसे आप CS कहते हैं, ब्यूरोक्रेट थे जी, ब्यूरोक्रेट थे, आल्सो ए PhD इन फिजिक्स, सो ये इसको साइंस का भी पता था और इसको रिमार्केबल पर्सन। इसके बाद सारे मैं रैंक वाइज आ रहा हूँ, सेक्रेटरी नजर आएंगे, ये सेक्रेटरी एजुकेशन थे कुरैशी साहब, फिर ये बाद में बन गए सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस के, आप चेयरमैन ATC थे, पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, फिर चीफ सेक्रेटरी KP के, फिर ATC के उस वक्त यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, और फिर वाइस चांसलर का यूनिवर्सिटी, ये सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगला भी सेक्रेटरी साइंस है भट साहब, ये भट साहब है जी जो मुझे कहते थे कि मैं जब कराची में था तो एक बंदा रखा हुआ है, मुझे कहते हैं आप ही बंदा रखते हो। ये सेक्रेटरी साइंस एंड एजुकेशन पंजाब के थे, और जो आपका बना ना FDS वो ही वॉज दी क्रिएटर होता है। ये अब आपको ट्रेनिंग नज़र आ रहे हैं सरकार जदीद सब प्रेजेंट कर रहे हैं,
International Symposium, and Dr. Amir Mohammed International Symposium, DNA for Justice, ये Chief Justice उस वक्त थे. ये मैंने इसलिए दिखाया कि ये जो दो बंदे हैं ये SSP रैंक के हैं. तो अगेन द आईडी प्लीज कीप इट योर माइंड के आइडिया जो है वो पॉपुलराइज करना है साइंस को और इसके एप्लीकेशन को इसके इस मुल्क में. तो ये जो SSP लेवल के लोग हैं इनको फॉरेंसिक का बड़ी अच्छी तरह पता था. फिर ये इसके बाद बाहर से ट्रेनिंग लेके आए. और ये जब मैं सबसे पहले गया ना मिलने के लिए DIG को कि हम ये फॉरेंसिक करना चाहते हैं, तो मेरी सारी बात सुनकर पता आप ही क्या कहते हैं. तो ये कहते हैं रियाज साहब जो तुम दस दिन पे करना है अपनी छोटी उठाएगा मैं डंडा और सारा कुछ कर सकता. मैंने कहा जी 10 साल के बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकोगे. अरे 10 साल बाद देख लेंगे. लेकिन आप यकीन जानिए कि जब हम फुल स्विंग इस पर गए ना जी तो पुलिस वाले हमारे पास आते थे. अदर प्रोविंस चली गई प्रोविंशियल मैटर है, फेडरल मैटर नहीं है. तो वहाँ से लोग कह रही आप हमारे यहाँ ये काम करें. तो खुशी की बात यह है कि जो चीज़ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे शुरू में वो इवेंचुअली इस पर इतने चले गए कि हम मुझसे भी आगे निकल गए. ये अपने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे पंजाब के, फिर बाद में वो बन गए चेयरमैन PRC. अब मैं टीचिंग पे आ गया हूँ. वन ऑफ द डिफिकल्टीज और कंस्ट्रेंट्स दैट वाज मेंशन्ड इज स्केर्सिटी ऑफ लैक ऑफ सीनियर फैकल्टी ट्रेन मैन पावर. तो मैं करता था बाहर से लोगों को बुला देता वन वे और अनदर. मैं अभी बताऊंगा कैसे जॉइंट प्रोजेक्ट लिखते थे जो फंडिंग बाहर से होती थी और उसी फंड में से ये मेरे बच्चे यहाँ थे ये 6-1 साल से 2 साल के लिए जाते थे टू फिनिश पार्ट ऑफ देयर वर्क और वहाँ से जो टीचर्स थे वो आके पढ़ाते. सो हमारी फैकल्टी में ये हीज़ ए नोबेल लॉरिएट रिच रॉबर्ट्स, ये अपना रिस्ट्रिक्शन डिजाइन पे इसका काम है. पॉल मॉडरेट ये भी नोबेल लॉरिएट, इसका मिसमैच रिपेयर का काम है DNA पे. टॉम लिंडॉल ये मैं इसके साथ काम करता था, तीन लोग से नोबेल लॉरिएट DNA रिपेयर. एनल फ्रीडबर्ग ए वेरी एमिनेंट साइंटिस्ट उधर से कैलिफोर्निया से. लैरी ग्रॉसमैन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और कनाडा का तीन कॉलेज प्रोफेसर एंड एमिनेंट साइंटिस्ट. जेम्स लुप्स्की, अरे जेम्स लुप्स्की और जो वो उधर बैठे हुए ये दोनों बंदे स्टूडेंट थे अहमद बुखारी के, जो मैंने फॉरवर्ड में लिखा है. अहमद बुखारी जल्द उनका इंतकाल हो गया जल्दी, लेकिन इन्होंने कहा जी कि हमने बुखारी से मोलेकुलर बायोलॉजी सीखी हुई है, हम उसको ट्रिब्यूट के लिए पाकिस्तान में आगे 6 वीक का ट्रेनिंग कोर्स करें. सो दे गेम इन एंड स्टेड हियर फॉर 6 मंथ और हमारे बच्चों को ट्रेन किया. मैंने इसको चला दिया. बाजार ये इंडिया में बड़ा वेल नॉन टिशू कल्चर का बनता था, बहुत सी किताबें भी लिखती हैं. ये आखिरी स्लाइड है दो, इसका इस आज की टॉक से कोई ताल्लुक नहीं है. तो ये मैंने दिखाई है इसलिए कि जैसे कहा गया कि यहाँ से जो लोग निकले तो यहाँ आपको नजर आएंगे. एक है वो ऊपर देखिए वहाँ से पहचान दे कौन है. नहीं मैं अच्छा. और इधर ये बता, ये है अपना दाऊद का सामरा जो तो मैं सिर्फ इसलिए लाया कि जी ये दो आपको इसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो यहाँ से गए. अच्छा महमूद ने ये काम भी किया. अच्छा और ये बंदा तो खैर आप पहचानते ही होंगे. अब मैं आई केम हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट
PhD in 2010 तक ना जी कोई 236 MPhil और 70 PhD हो गए थे और ये enrollment थी जिसे just sort of progress report training up to 209 organized 54 symposia and seminars future plans जो थे वो ये थे कि increase enrollment from 15 students per year to 30 students per year organize one symposia workshop every year and one bio forum यहाँ bio forum लगा इस्तेमाल हुआ है पहली दफा तो आप सर इसको पढ़ के ज़हन में रखते मैं आगे इसको डिस्कस करूँ स्टार्ट बीएससी ऑनर्स ये भी एक प्लान था अच्छा ये देखने में तो ऐसे लगे थी बीएससी स्टार्ट कौन सी ये बड़ी बात है एक्ट जो 74 एक्ट है ना जिसके तहत ये बना हुआ है जब हमने पीएचडी शुरू की ना एक डिफिकल्टी बल्कि आसानी थी कि यूनिवर्सिटी की जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें पीएचडी नहीं होती वी वर द ओनली वन जब ओनली वन हो तो फिर प्रॉब्लम भी नए आते हैं तो जो एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट का वो ये था कि जी ये जो इदारे हैं ये सिर्फ एमफिल और पीएचडी टीच करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी के साथ इंटरफियरेंस ना अब तो यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट जो है वो एमफिल पीएचडी करवा रही है उस वक्त सिर्फ ये इदारा कराता था ये इदारा ये कराएगा और यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट जो है वो बीएससी एमएससी कराएंगे तो जब मैंने यहाँ लिखा है ना कि बीएससी इसका मतलब ये था कि जो वो करवा रहे हैं वो हम भी करवाएंगे लेकिन इन मोलेकुलर बायोलॉजी इसको मैं अगेन आई re-emphasize that molecular biology in my mind was a multidisciplinary science. नतीजा ये हुआ कि जब मैं मेरी intake जो थी मैं लिया करता था वो zoology, botany, biochemistry, genetics, molecular अपना microbiology, chemistry and even physics. और ये जो आपके medical graduates हैं मेरे पास चार MBBS भी आ गए यहाँ से PhD करके गए हैं पीएचडी एंटर करती है तो सारे डिसिप्लिन को इससे फिर एक प्रॉब्लम ये पैदा होता था कि जब आप इतनी हेटरोजीनियस इनटेक लेते हो तो आपका स्टार्टिंग लेवल तो उस वक्त ये जो आपके कोर्सेज हैं ना कोर्स वर्क जो अब एचईसीए ने मैंडेटरी कर दिए हैं वो नहीं होते सिर्फ थीसिस पे जिसमें इंग्लैंड में हुआ करता था ना कि आप थीसिस पे आपको डिग्री मिलती है मैं एट माई ओन पहले 6 महीने टीच करता था जनरल मोलेकुलर बायोलॉजी टू ब्रिंग एवरीबॉडी एट पार जो फिजिक्स वाला है उसको पता चलता है मैं फिजिक्स का बड़ा हामी हूँ क्योंकि आपको जो बहुत सारे ये जो आपने मैंने जिम वाटसन दिखाया ना इसका जो प्रोफेसर था ही वाज़ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स फिर वॉली गिलबर्ट का नाम सुना होगा डीएनए सीक्वेंसिंग में वो इस्लाम साहब का स्टूडेंट था थ्योरेटिकल फिजिक्स का एंड ही गॉट ए नोबेल प्राइज इन बायोलॉजी इसी तरह एन डब्ल्यू ग्लेज़र देयर आर सेवरल अदर जो बेसिकली ट्रेंड इन फिजिक्स इवन पीएचडी और उसके बाद जो मार्वलस डिस्कवरीज क्योंकि फिजिक्स जो है ना वो आपको प्रिसिजन सिखाती है जो बायोलॉजी जो है उसमें आपको पता है कि प्लस माइनस 5% तो अलाउ है फिजिक्स में प्लस माइनस 5% अलाउ नहीं होता है तो आप ज़्यादा मैं किसी वगैरह इस पर बात हो ना कि कौन कौन से फिजिक्स के नोबेल लॉरिएट हैं तो आप देखें यह जो आपका डेलब्रक था डेलब्रक वॉज प्योरली फिजिसिस्ट ये जो फेजियोलॉजी का फादर कहलाता है फेजिस की सबसे पहली जो आइडेंटिफिकेशन है वो मैक्स डेलब्रक ने की थी और उसने बड़ा सिंपल टेस्ट किया था जो मशहूर है किताबों में फ्लक्चुएशन टेस्ट और फ्लक्चुएशन टेस्ट जो है वो सिर्फ एक फिजिस्ट कर सकता है बायोलॉजिस्ट नहीं कर सकता बड़ा ही सिंपल फ्लक्चुएशन टेस्ट ये था कि आपके जो सोल्यूशन है जिसमें फेजेस हैं वायरसेस हैं उनको डाइल्यूट करते जाओ तो करते 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 सीरियल डाइल्यूशन जैसे आप कहते हो तो एक टाइम आएगा कि आपको अभी एक है अब एक के बाद अगर जीरो आता है तो इसका मतलब वो एक एंटिटी है अगर एक के बाद आधा आता है इसका मतलब लिविंग नहीं है इसलिए इसको इस पर नोबेल प्राइज मिला और फेजियोलॉजी की एक बुनियाद रखी है तो इसलिए मैं फिजिक्स का कोई बंदा कह रहा था कि मकसूद आया था पिछले वीक तो फिजिक्स अच्छा ये एक आपके लिए कि जी हमारा एक सेइंग थी कि आपकी रिसर्च जो है ना वो आइदर ऑफ द टू होना चाहिए एड न्यू इन्फॉर्मेशन टू ह्यूमन नॉलेज और बी अप्लाइड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो भी काम मेरे यहाँ होता था इन दो कैटेगरी में फॉल करता था गोल ओरिएंटेड विद क्लियरली डिफाइंड गोल
जो बेसिक है वो मोस्टली मैकेनिस्टिक होते थे, और जो अप्लाइड होता था वो कोई प्रॉब्लम जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं फॉर द जनरल पब्लिक, पर्टिकुलरली जो लोअर अपना आमदनी के लोग हैं, जैसे आप गरीब लोग। तो अब इसके बाद मैं आपको पहली कैटेगरी की रिसर्च तो नहीं दिखाने लगा, लेकिन उसका आउटकम ये मैंने कहा लास्ट टाइम शायद दिखाया है, रेहान इसको बड़े गौर से देखता है, ये डिस्कवरी ऑफ बी लोसाई एंड पब्लिकेशन। तो आपको इससे अंदाज़ा होगा इसका जो पहला पेपर था वो नेचर जेनेटिक्स में 2000 में हुआ, और जो दूसरा पेपर था वो सेल में सदफ ने किया जो अब रिसर्च। ये दिस इज टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे पब्लिकेशन हुई हैं। अगेन आल नेक्स्ट थ्री स्लाइड्स आर जस्ट पब्लिकेशन टू गिव यू, ये सारी की सारी इंटरनेशनल। एक प्रॉब्लम हमारा ये होता था कि एंड के ऊपर जब हम लिस्ट पर आते थे ना तो सारे के सारे बाहर की होती, पाकिस्तान की एक आज या कोई भी नहीं होती। तो लोग कहते हैं यार आप और लोगों के लिए काम कर रहे हो, मैं कहता और लोगों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल में जो पब्लिकेशन है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो आप इंटरनेशनल लेवल पर वो काम कर रहे हो, तो आपकी जो मेजरमेंट है वो होती है फैक्टर से। तो ये महमूद ने कैलकुलेट किया है, उस वक्त 2007 में कोई ये इम्पैक्ट फैक्टर था, फिर ये बढ़ता गया। अचीवमेंट्स अगली तीन स्लाइड जो है वो आपको ये ट्रेनिंग अगर आपको देन होंगे, हमारे फंक्शन थे, फोर फंक्शन थे, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, सिम्पोजियम एंड सेमिनार्स, दूसरा था अपना गोल ओरिएंटेड रिसर्च, तीसरा था प्रोडक्शन। तो इन सब की जो है बारी बारी ये अगर आप पढ़ते जाओगे तो मैं तेज़ी से चलना चाहता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। डिवेलप प्रोसीजर्स फॉर, इसमें जो डी एन ए टाइपिंग का काम है, ज़िया साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये वन ऑफ दी पायनियर्स इनके साथ थे, वो तलत अफरोज और ज़िया, क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है आई थिंक आई मस्ट एक्नॉलेज वो लोग जिन्होंने इसके काम किया। अवार्ड जो हैं इधारे क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे तो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले, और ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये इदारा जो है ये हर फ्रंट पे आपको माशाल्लाह नज़र आएगा। ये अपना आईडी प्रोजेक्ट 2008, जो तीन स्लाइड्स हैं वो एक जो हमारे रिव्यू के लोग आते थे ना बाहर से, उनके सब सैनिकों ने क्या कमेंट किए कि पहला है लैरी लो एक्स प्रेसिडेंट अमेरिकन एसोसिएशन, दूसरा है मिल गॉर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन प्रोफेसर, तीसरा है लैरी लो वो ये पहले वाला, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जज रॉबर्ट्स का, और चौथा जज रॉबर्ट्स का। आप ये स्लाइड्स आपको अवेलेबल है, जो चाहे जब चाहे इसको देख के पढ़े, इस वक्त जल्दी में शायद आप ना पढ़ सको, पर मैं जल्दी में इसलिए हूँ कि मैं कुछ टाइम में इसको खत्म करना चाहता हूँ। मैंने रेहान से पूछा कि मुझे टाइम कितना होगा, इसने कहा कि जितना मर्जी, लेकिन मेरे पास आई पर हर एक कैपेसिटी होती है आप उसके बाद। अरे ये मैं आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट कि ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है टॉम फ्रीडमैन, ये इसने ये लिखा हमारे जो जेनेटिक डिजीज का काम है उसमें गोल ओरिएंटेड रिसर्च टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब मैं जिसे आप अप्लाइड करके उस पर आ गया हूँ, आज मेरा फोकस मेनली होगा एग्रीकल्चर पे। आई विल रन थ्रू इस लाइन, कोई साइंस नहीं उसमें, सिर्फ आपको आई कैचिंग प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा आपको खुश करने के लिए, और मैं तो काफ़ी सर देखता हूँ। और जो प्लांट है उसमें जो अदरा का काम है, नहीं सॉरी प्लांट नहीं मेडिकल का, हमें सारा छोड़ दिया उस पर, उसको ले लिया 2010 तक। 2010 में आप स्टूडेंट थी कि आगे थी? तो इस वक्त आपकी थी बेटी सहसर, क्या नाम है, सादिया मौसम, सादिया मौसम का काम है जो मैं आगे था।
बुशरा मेरे पास बहुत पहले आए जब ये यूनिवर्सिटी से फारिग हुई थी, और माशाल्लाह इनके बच्चे यूनिवर्सिटी जाने ये वही शुगर केन ग्लैंड, ये सब जो चीज़ें आप देखते हैं हम, लेकिन ये उस वक्त से शुरू हुई है। कॉटन फील्ड ट्रायल ये हमारा मेन काम था 2007 के। इसमें आप ये देखेंगे कि जो कॉटन के मेन नाम है ना पाकिस्तान में, वो आके आप ये दो के बंदे नज़र आ रहे हैं, दोनों के दोनों ये दरमियान में रहे थे, सेक्रेटरी था अगली तरफ राणा साहब। मैंने ये सिर्फ आपके लिए क्योंकि आप देख के खुश होंगे, डिलाइटफुल पर्सन, लेकिन हम दुनिया में नहीं हैं। इनकी एक जोक सुना दो, बड़े धीमे और स्लो चलने वाले थे, तो गाड़ी पे जा रहे थे, बड़ी आहिस्ता चला रहे थे गाड़ी, तो बाहर उनका एक दोस्त है अल्ताफ साहब, जो कई लोग जानते हैं, वो आपके थीसिस के लिए आते हैं, वो कहते हैं सेंटर में आए हुए, तो कहते हैं अल्ताफ साहब आओ बैठ जाओ, कहते नहीं नहीं मन जल्दी है तुम जाओ। लेकिन यहाँ दिखाने का मकसद ये कि सेक्टरी एजुकेशन आपको गवर्नर साहब नजर आ रहे हैं, तो पॉइंट ये है सेक्टरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फिर गवर्नर, तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो डिसीजन मेकर्स हैं, पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, माशाल्लाह दे ऑल गेम। मुझे नहीं पता आपने देखी होगी, आपकी वो बुक है जिससे आप इम्प्रेशन वो आप उससे देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग आए और बड़े अच्छे कॉमेंट भेजे दिए गए। ये वो है अपना सैनेट स्टैंडिंग कमेटी, सैनेट स्टैंडिंग कमेटी को इसलिए लाए कि कुछ चीज़ें हमने पार्लियामेंट से करवानी थी जब मैं आऊँगा ना उधर अपना CDMP, तो इसलिए उनको ला के दिखाया एजुकेट की। मैंने उन पर एक लेक्चर दिया इन्हीं को, तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बंदे कहते हैं रियासत तुम तो ऐसा ही जैसे स्टूडेंट है पढ़ा रहे हो ना, तो मैं यही कर रहे थे ताकि कल जब इनके पास जाए तो ये उसको बड़ा ऑल आप सिर्फ ये रन थ्रू कर रहा हूँ। आप मोलेक्युलर बायोलॉजी ये तो कि मैं इसमें खुद इन्वॉल्व हूँ, तो शायद आप देखेंगे कि उसको मैंने ज़्यादा एलैबोरेट दिखाया है, ये सेल्फिश नहीं हूँ बल्कि ये प्रोग्राम था ही इतना। येलो जो है वो पार्शली कंप्लीट है, ग्रीन है वो कंप्लीट है। इसके बाद दो स्लाइडें साजिया और मौसम की, जस्ट टू रिमाइंड अदर के इससे पहले भी लोग काम करते हैं। अरे ये जो है ना जी इज द पर्पस है, ऐसा चल ये मैंने सोचा कि आप पिक्चर्स फोटोज देख के वो मोनोटोनस हो जाता है ना, तो दो मूवीज भी दो या तीन रखती हैं, और ये उस वक्त बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हमने सेल जो है वो कल्चर कर लिए है, अब तो माशाल्लाह ये अपना स्किप भी कर लेती हैं और बड़े कुछ अल्सर खुद भी कर लेती हैं, इतनी शुरू की बात है। ये नहीं कम कर रहा मैं यार, ये उनके साथ LRBT वालों के साथ मिल के, और वहाँ डॉक्टर काली साहब मेनली ये काम हमारे लिए करते थे, तो इसमें 10 पेशेंट किए थे। ये उस वक्त की बात है जब ड्रैप वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और कोई उनका अमल दखल नहीं था, और 10 पैसे अगर पीछा वो होगी आपके साथ सभा हाँ सभा नहीं 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 सभा सभा वैसी छोटी है लेकिन नीचे नहीं बैठी,
तो ये इसको कंटिन्यू किया था, लेकिन उस वक्त जो था वो सालिया मौसम में नंबर देख रहे थे ना, 6 पेशेंट थे जो बिल्कुल रिकवर हो गए। हाँ जी, फिर उसके बाद पता नहीं क्या बजे अभी के लिए काम चला नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो 1 महीने के बाद भी नज़र आ रहा है कि वो ठीक। अच्छा, ये हमने ये काम छोड़ दिया बाद में हार्ट का, क्योंकि हार्ट जो है हर डिजीज का ना एक सोशल स्टेटस होता है, कोई गरीबों की होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो है वो गरीबों की बीमारी, हार्ट जो है वो अमीरों की बीमारी है। हमने हार्ट को शुरू किया, फिर हमने सोचा कि जी हम अमीरों के लिए तो नहीं काम कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दिया। लेकिन ये जो था ना बहुत बड़ा काम था, इसका जो हार्ट है ना चूड़ी का, ये जो साइज ऑफ पी चना होता है ना, ये साइज होता है और बड़ी तेज से ये वाइब्रेट करते हैं, और माशाल्लाह जो हमारे स्टूडेंट इसमें सुई फ्यूचर प्लान ज़्यादातर बैठे हुए हैं ऊपर, डी एन ए डेटा बैंक ऑफ कन्वेट हुआ नहीं आगे तक, इसलिए रेजिस्टेंस थी फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट के लिए। आपने हमारे लिए मुश्किल कर बढ़ने इस्तेमाल कर हाँ, लेकिन ये सारा क्या नाम है बुशरा, ये सारी डिफिकल्टीज में इसके लिए बहुत टाइम लगाया मैंने। मैं वो जो चीफ जस्टिस को आपने देखा ना जी, वो इसीलिए था, उसकी बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ था, मेरा ख्याल बर्गल भी क्या था, तो ही वाज बिग सपोर्टर ऑफ डीएनए, लेकिन हुआ नहीं कुछ। ये जो थे बड़े फोर्सफुली इसके अगेंस्ट थे, और पंजाब गवर्नमेंट में हमारे चौधरी साहबान जो है बस किए गए थे। मैं इस पर एक बात बताऊँ, यहाँ मीटिंग हुई गवर्नर साहब, गवर्नर जो लेफ्टिनेंट खालिद थे वो बैठे हुए थे उनके साथ ना, ब्रिगेडियर बोलो इंटीरियर सेक्रेटरी थे। मैं उनको बता रहा था कि जी ये डीएनए फॉरेंसिक क्या होता है, तो कहते हैं गवर्नर साहब देखो जी सर ये जो चीज़ अल्लाह तआला ने छुपाई है ये उसको ज़ाहिर गोल ओरिएंटेड रिसर्च आउटरीच टू पब्लिक, ये मेरा लास्ट टाइम कितने हो गया? नहीं सर, कि अब काम लैब में तो बड़ा कर लिया, आपने देखा कि लोगों को बुला लिया, लोगों को दिखा लिया, सब ने तालियां लगा दी, ये बड़ा अच्छा है, लेकिन असल चीज़ तो वो है कि जी ये पब्लिक तक पहुँचे। इस पर क्या प्रॉब्लम आए क्या थी वो मैं आपको, वो जो बायो फोरम था ना जो मैंने वहाँ कहा कि एंड पे बात करूँगा, तो बायो फोरम इस पर सबसे पहले तो मैं रिकैपिटुलेट करने लगा हूँ कि हम तुम्हारे पास था क्या, प्रोडक्ट्स डेवलप एट सीएमडी एंड प्रोसेस डेवलप एट सीएमडी। अच्छा, अब मैं प्लीज मैंने ये कहा था शुरू में कि ये मैं इंटरचेंजेबली लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ सीएमडी और सीएमडी। सीएमडी इसलिए है कि एक अपना ऑडिट ऑब्जेक्शन लगाई मुझ पर कि जी ये जो सी एम बी है ये तो इदारा है जिसका काम तो सिर्फ पढ़ाना है, आप ये क्या बना रहे हो, ये तो अप्लाइड काम तो आप कर ही नहीं सकते, तो कैन यू इमेजिन। तो मैंने फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया सी एम बी में, लेकिन काम वो सारा सी एम बी वालों ने ही किया था, जी किया था मेरे दोनों ने मिलकर किया, लेकिन आपको सी एम बी नज़र आएगा उनका जो अम्ब्रेला है वो इस्तेमाल, तो यही फ़ायदा था हमारे पास डिफरेंट अम्ब्रेला बायो इंसेक्टिसाइड फ्लावर सीड्स के इक्विपमेंट इंटरफ्रॉम एंड बी टी सी, ये थे दो मेन प्रोडक्ट जिनको मैं लेके जाना चाहता था और जिसके बेसिस पे मैं अपने प्रपोजल ऑफ इंडिया ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एक इदारे का डायरेक्टर, 2 साल के बाद उसको सस्पेंड कर दिया, उसको चला यानी उसने एम्बेजलमेंट कर दी। एम्बेजलमेंट क्या थी, उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया, मैंने कहा जहन्नम में जा रही मैं। जब वो मुश्किल से वहाँ से फारिग हुआ उस दिन, तो उसने कहा कि मैं सारी उम्र गवर्नमेंट के इदारे में काम नहीं करूँगा, उसने फिर एक प्राइवेट इदारे में काम किया। तो गवर्नमेंट के इदारे में ये तो अपना इनकी बड़ी हिम्मत है, जो लोग बैठे हुए यहाँ काम करते हैं, एक तो है पैसे मिलते नहीं हैं और जो मिल जाए उनको खर्च करना जो है वो उससे बड़ा डिफिकल्टीज होती है, पोटैटोज और अपना
ये प्रोसेस हैं पीसीआर ई आर जी करेंगे। हमारे जो मेन इनकम आई थी वो पीसीआर से, ईआरजी से थोड़े आते थे, फोरेंसिक से थोड़े आते थे, डीएनए सीक्वेंसिंग कुछ काम ये मैं फॉलू करता था, उसकी सपोर्ट जो थी अच्छी थी। उस वक्त यू जी सी ठीक है जी, आप जिस यूनिवर्सिटी का भी आप सैंपल हो आप कर देंगे, हम आपको पैसे देंगे। तो अब इसको लेके आगे चलना था, तो मैंने जैसे कहा तो मेरा मेन फोकस जो था वो इंटरफेराउन और बी डी सीड्स पे था। बी डी सीड्स का इशू ये था कि यहाँ इदारे में तो आप सीड नहीं बना सकते, इसलिए कि ये कॉटन ग्रोइंग एरिया तो नहीं है, तो आपको यहाँ से निकल के या रहीम यार खान या मुल्तान या इवन फैसलाबाद तो वो जाना है। तो हमने फिर एक सब स्टेशन बनाया मुल्तान में और ये काम बाहर किया। लेकिन जो इंटरफेराउन था उसमें मैंने उस दिन रेहान से एक बात की थी और रिपीट करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क, मैं ये हाल इनसे नहीं कह रहे इनसे अल्लाह पाक का, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जो प्रॉब्लम सिलेक्शन है ना वो साइंटिस्ट को छोड़िए, जो इंतहाई गलत बात। अगर आपने नेशनल लेवल के काम करने हैं ना, तो क्योंकि प्रॉब्लम सिलेक्शन जो है ना दिस इन इट सेल्फ इज़ ए साइंस। इसका मैं कई जगह पर ना पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और उनके जब बैठता हूँ बताता हूँ कि ये एक साइंस है और आप प्रायोरिटी एरियाज डिफाइन कीजिए। रॉकफेलर फाउंडेशन जो है ना, मैं उसकी हमेशा एक कहानी से आया करता हूँ, तीन चार मिनट लूँगा। तो उसका डेविड रॉकफेलर जो प्रेसिडेंट था उसने बुलाया अपने जो इंचार्ज था एग्रीकल्चर का, उसे कहा डेविड, उसका डेविड आई वॉन्ट टू स्पेंड $10 billion एवरी ईयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 years ऑन एग्रीकल्चर, कैन यू एडवाइज मी हाउ टू स्पेंड इट $10 million एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 years। सो ये $100 million की बात हो रही है जो उन। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपने कैसे किया, क्या किया, तो उसने मुझे मैकेनिज्म बताया, वो आपको बताना चाहता हूँ खास तौर पर डायरेक्टर से बात कर। उसने कहा जी रियाज ये जो है ना अपना सिलेक्शन जी किस पे लगाना है, ये भी एक साइंस है जिसे तुम मोलेकुलर बायोलॉजी करते हो, वो इकोनॉमिस्ट है, ही इज एन इकोनॉमिस्ट बट ही नोज एज मच मोलेकुलर बायोलॉजी एज आई डू। उसने कहा जी मैंने सबसे पहले अपने आप से ये सवाल किया कि दुनिया में कौन से फूड है जो ज़्यादा खाई जाती है और उसकी शॉर्टेज होगी 10 साल के बाद, वो थी राइस। राइस जो है वो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंज्यूम्स राइस, ये आपका फार ईस्ट जो है ना ये सारे का सारा चावल खाता है। और फिर उसने देखा कि 10 साल बाद आज डेफिसिट है लेकिन जो 10 साल बाद होगा उससे बड़ा होगा, और जो उसकी वैल्यू होगी डेफिसिट की वो 100 मिलियन से ज़्यादा है। कहा जी ये मनी विल बी वेल स्पेंट, इसको हम लेते हैं। सो उसने एक काम किया, एक लिया प्रोजेक्ट राइस बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम शुरू किया। अब जब राइस बायोटेक्नोलॉजी का काम शुरू किया तो इस पर बुलाए अगेन इकोनॉमिस्ट, पहला काम सारा इकोनॉमिस्ट ने किया, कह जी ये इसकी जो डेफिसिट है जो पूरी यील्ड नहीं हो रही है इसकी क्या वजह है। तो जो प्रेडोमिनेंटली जवाब था वो यह था कि जी डिजीज हैं, स्ट्रेसेस हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। उन्होंने लिस्ट किया इससे इतना लॉस होता है, इससे इतना लॉस, इतने मिलियन का। फिर उन्होंने बुलाया साइंटिस्ट को लाइक अस, कहते ये कंस्ट्रेंट्स हैं, आप बताइए कि साइंटिफिकली कौन सी कंस्ट्रेंट का, बाज़ होते हैं मल्टी जीन डिफिकल्ट होते हैं, बाज़ होते हैं मोनो जीन आसान होते हैं, ये कौन से होंगे। तो लोगों की इनपुट के बाद उसने ये जो 10 मिलियन एवरी ईयर थे ये प्रोपोर्शनेट कर दिए कि जी इतने इसमें जाएगा, इतने इसमें जाएगा, इतने, और वो टेबल बना के तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उसने कहा जी ये बना के फिर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे आप हो, हमें दी गई, हमने भी उस पर राइस पे काम शुरू कर दिया। और माशाल्लाह ये ग्रांट जो थी रॉकफेलर की ये सबसे लंबे अरसे के लिए हमें मिली, 89 से शुरू हुई और 2005 तक गई 15 साल। जनरली उनका जो होता है वो 3 से 6 साल होता है, 3-3 साल की होती है या 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, हमें 5 दफ़ा दी गई और 5 दफ़ा माशाल्लाह एवरी टाइम जो प्रोग्रेस थी वो एक्सेप्शनल कही गई और कंटिन्यू करता रहा। लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि तो मैंने जो इंटरफेरॉन सिलेक्ट किया ना इसकी भी एक साइंटिफिक रीज़न है, मैं आज नहीं करता हूँ टाइम मैं ये जा रहा हूँ। इंटरफेरॉन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्या वजह थी, और भी था, हमने यहाँ इंसुलिन भी की थी और चीज़ें भी की थी, व्हाई डिड आई पिक अप इंटरफेरॉन, इसका एक साइंटिफिक रैशनल
ये हमारी ओवरऑल स्कीम थी। आप देख रहे हैं 1 लीटर का कल्चर 200 लीटर का कल्चर कि ये हम यहाँ डेवलप करेंगे और उस चाहे वो कोई भी जीन क्लोन हो वो ऊपर जो कार्टून बनाया है ना, अगर आप गौर से देखेंगे ना तो उसमें जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है वो हैंस स्मिथ की है और स्टैनली कोहन की। स्टैनली कोहन को भी नोबेल प्राइज मिला है तो वो काट रहे हैं उसको डीएनए को और ये काट के तो डाल रहे हैं ई कोलाई के प्लाज्मिक डीएनए में। ई कोलाई का सॉरी जो ऊपर वाला देख रहे हैं आप जो आ रहा है वो वाइल्ड टाइप डीएनए और इवेंचुअली इट विल बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो ये चीज बनाता है। तो बेसिकली आपका जो काम है वो पहला पार्ट है कि किस तरह जीन को क्लोन करके फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म वेर इट नेचुरली एग्जिस्ट लेकिन उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। जैसे इंटरफ्रॉन की मिसाल देता हूँ, ये इंसान में ये पैदा होता है लेकिन इन हाई स्मॉल क्वान्टिटीज, आप इसको ईकोलाई में या ईस्ट में जब ट्रांसफ़र कर देते हो तो ईकोलाई या ईस्ट की इसको ज़रूरत नहीं है लेकिन वो जैसे नॉर्मल उसके बाकी एक्टिविटी चल रही है वो ये बना रहा है और बना रहा है लिटरली इन ग्राम क्वान्टिटीज, लिटरली इन ग्राम क्वान्टिटीज। तो आपका फिर दूसरा काम ये होता है कि इस सेल में से इसको प्योरीफाई कैसे किया जाए, तो उसके भी डिफरेंट तरीके हैं, बाज है एक्स्ट्रा सेलुलरली, बाज है इंट्रा सेलुलरली वगैरह वगैरह। तो यहाँ ये बताया गया कि आप सेल को ब्रेक करके उसको प्योरीफाई कर निकाल लेते हैं, निकालने के बाद आपके पास वहाँ हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स हैं उसमें से एक इंटरफ्रॉन को, जैसे आप मैगजीन भी लेके जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन जो आपके लोहे की चीज़ होगी वो मैगजीन को कैच लेगा। तो इस तरह प्रोसीजर हो ऐसा हो जो इंटरफ्रॉन को पहचाने के लिए इंटरफ्रॉन इसको बाहर निकाल, उसको कह रहे प्योरीफिकेशन। तो वो कर रहे फिर आखिरी होता है उसकी फॉर्मुलेशन। इस प्योरीफाइड प्रोडक्ट चाहे वो इंसुलिन हो चाहे वो इंटरफ्रॉन हो उसको इनटू ए फॉर्मुलेशन, चाहे वो कैप्सूल चाहे वो इंजेक्शन चाहे वो टैबलेट जो कि मार्केट में, उसमें फिर आप बड़ी सारी चीज़ें देखते हो कि उसकी अट्रैक्शन हो कस्टमर के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ हो। इंटरफ्रॉन का प्रॉब्लम यह है कि ये अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इसको आप तो आप ऐसा इंटरफ्रॉन बनाओ जो आप बाहर शेल्फ पर रखो और फिर आपके सब आसानी हो जाए। तो ये चीज़ें आप दें और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये हैं बेसिक रिसर्च। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे हर अप्लाइड प्रोजेक्ट के साथ एक बेसिक प्रोग्राम होना चाहिए जो उसके जो इश्यूज हैं स्पेसिफिक, जिसको मैं फिर अगेन गोल ओरिएंटेड। क्योंकि मैंने इंटरफ्रॉन टैग पुलम से लेते एक ज़माने में, टैग पुलम जो है एंजाइम सारी हीट अनस्टेबल होते हैं, किसी ने टैग पुलम डेवलप किया जो आप 60 डिग्री तक भी चाहिए तो इनएक्टिवेट नहीं होता है। तो इस तरह किसी ने किया, इसी तरह हम इंटरफ्रॉन में करना चाह रहे थे कि इंटरफ्रॉन आप बाहर शेल्फ पे रख दो तो बंदा इसको लेके जाए और कुछ बोल दें उसको फॉर्मुलेशन कि कौन सी फॉर्मुलेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, जिसके लिए आपको पेशेंट पे ट्राई करना पड़ता है जिसे आप ट्रायल्स कहते हैं। लेकिन हमारा फोकस जो था ये मैं एम्फसाइज करूँ नए प्रोडक्ट्स पर नहीं था, जिस पुराने पर था जिसको आप अपनी टर्मिनोलॉजी में बायोसिमिलर्स कहते हो। बायोसिमिलर्स का फ़ायदा ये है कि आपको जो कैटेगरी 1 के ट्रायल वो करने नहीं पड़ते हैं, वो ज़रा मुश्किल होते हैं क्योंकि पता नहीं होता क्या रिएक्शन हो जाए, वो हेल्दी लोगों पे करते हैं पेशेंट नहीं करते हैं, पेशेंट पर जो 2, 3 और 4 करते हैं। इन एनी केस पाकिस्तान में अब भी टू ए लार्ज एक्सटेंट कहा है, 100% नहीं कहा है, उस वक्त 100% कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं थी। अरे ये दिस इज सब्जेक्ट ऑफ अनदर लेक्चर कि आप वही आर यू मेकिंग बायोसिमिलर्स। एक ज़माने में इसकी मार्केट थी जब हमने काम शुरू किया, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ आगे करती थी। क्यों यहाँ करती थी ये जैसे मैंने कहा ये सेपरेट लेक्चर का मटेरियल है जो कि मैंने PC1 में लिखा हुआ है। अपना इंडिया में जापान ने तो $10 बिलियन का ये काम शुरू किया अपने वहाँ ही कर रहे हैं। इसी तरह जो आपके इधर USA में और यूरोप में मल्टीनेशनल्स हैं उन्होंने इंडिया में चाइना में ये बनाया, पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान में क्यों नहीं है इसका एक पेज यदि ये प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम IP है।
कि वो कहते हैं जी हम इनको कोई चीज़ बताते हैं तो ये औरों को बता देते हैं, ले जाते हैं, कंट्रोल ही नहीं है इनके, अपने वर्कर जो है वो छोड़ता है और साथ ले जाते हैं। और मेरे यहाँ हुआ, हमारे यहाँ लेकिन बता छोड़ देंगे सर के साथ लेंगे। तो लेकिन सबसे अहम जो काम है वो है कि कोई बायोलॉजिकल फैसिलिटी नहीं है जिसे आप CGMP के अप्लाइंस कहेंगे। मैंने ये सबसे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया 2003 में, मेरे भाई साहब से कहने लगे यार ये क्या होता है, और ये लिटरली ट्रू है। मैं अब दोबारा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत सारी चीज़ें हमने पहली दफ़ा हम वही वर्ड फर्स्ट वर्ड टू डू इट। वहाँ इस्लामाबाद में नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इस प्रोजेक्ट को रिव्यू के लिए जिस मोजज़ रेफरी के पास भेजा जो कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो कहते हैं ये PCS आर्मी क्यों नहीं कर लेते, इनको यहाँ पर आने की क्या जरूरत है, क्योंकि उस बंदे को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि CGMP क्या होता है, इस पर इसको वो रिव्यू कर रहा है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन आपको ये बर्दाश्त करना है कि जी आप उस मुल्क में रह रहे हो जहाँ ज़्यादा लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो अगर कोई इस पे ऑफेंसिव रिमार्क्स देता है तो आपको सिर्फ हंस के इग्नोर करना है कि ये बंदा जो है ये बेअकल है। लेकिन आपने साइमल्टेनियसली कोशिश करनी है कि आप सबको एजुकेट करें, बताएं 5 सालों में 10 साल में ये हो गया कि हर बंदे को पता था CGMP क्या है। अब हर बंदा इस पे जंप कर रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्री कर रही है, बेशुमार लोगों ने ये फ्लोसेंस की आप बात करें तो उनके पास CGMP है। लेकिन CGMP इज़ वन थिंग, आपने देखा इससे पहले मैंने बड़े सारे स्टेप्स दिखाए। एक और बात बताऊँ कि दुनिया में किसी भी जगह एक प्रोडक्ट फुली डेवलप नहीं होता है, एक पार्ट कहाँ होता है, एक पार्ट वहाँ होता है, एक पार्ट वहाँ होता है। जहाँ तक कि आपके जो जहाज़ बनते हैं, जो टैंक बनते हैं, जो ऊपर स्पेस में जाते हैं, वो भी एक जगह नहीं बनते, एक जगह एक रूफ के अंदर सारी फैसिलिटीज जो है इम्पॉसिबल। तो जो हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं अप्लाइड काम, ये अक्सर लोगों को समझ नहीं है, वो अप्लाइड काम पूरे प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, पूरा प्रोडक्ट तो बना ही नहीं सकते, उसका एक हिस्सा लेके, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि जी आप काम कर रहे हो कि इंसुलिन को टेम्परेचर रेजिस्टेंट बनाना है, ये अप्लाइड काम, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ये उसका एक सेगमेंट है। आप कोई जीन लेके इंसुलिन या किसी और उसको क्लोन कर रहे हो, ये अप्लाइड काम है। लेकिन ये अप्लाइड से ये मतलब नहीं कि जब होगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, आपको दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है, डबटेल करना है, जिसके एक के पास ये फैसिलिटी होगी एक। तो हमने ये प्रपोज किया कि हम एक CGMP कंप्लायंस बनाएंगे जो प्राइमरली इंटरफ्रॉन्ट बनाएगी, लेकिन इसके अलावा इन सोर्सिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे जो कि पाकिस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है। और तीसरा, अगर किसी ने सेल्फ कल्चर करनी हो तो उसकी फैसिलिटी डेवलप करेंगे। सवाल यह है कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या करें, ऑब्वियसली ये आंसर ही थे कि अपनी डेवलप करें। अब सवाल यह है कि जब आप डेवलप करेंगे तो गवर्नमेंट के दायरे में करेंगे, इसे ये बड़ा मेरा सवाल, मुझे सवाल करते थे यदि आप क्यों कर रहे हैं, ये किसी कंपनी को कर रहे हैं, इस पर भी एक पूरा लेक्चर चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो टैक्स सिस्टम है, जो आपकी इंडस्ट्री है, वो नहीं करती है जो काम जिसका प्रॉफिट आपको 10 साल के बाद में, वो कहता है ये आज लगाए ना कल हमें पैसे मिलने चाहिए। तो बहरहाल ये आप सवाल ये है कि रिवर्ट नेक्स्ट क्या, ये यही है ठीक है। सवाल तो नेक्स्ट ये है कि आप एक फैसिलिटी बनाएं, ये अंतर कहाँ बनाएं, वेयर एंड हाउ, प्राइवेट और पब्लिक, एस्टैब्लिश न्यूक्लियस फैसिलिटीज फॉर क्लिनिकल ट्रायल, जो मैंने अभी के बात कही, कंसल्टेंसी एंड अप्रूवल बाय USFDA, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने दिए कि ट्रायल करके बाहर के लिए, और स्किल मैन पावर डेवलप करनी है। ये तीन चीज़ें आपकी होंगी तो लोग जो बड़ी जॉइंट कंपनीज हैं वो आपके पास आएंगे कि जरा हमारे लिए कर दीजिए, क्योंकि हमें वहाँ करना महंगा पड़ता है, आप करोगे तो हम आधे पैसे में आप कर दोगे। लेकिन ये कैपेबिलिटी डेवलप होगी तब होगा ना, आज से 20 साल पहले सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जो जॉइंट कंपनीज हैं उनके अंदर बनती थी, अब दुनिया की डिमांड जो है वो 10 गुना इंक्रीज हो गई है फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन, तो हम सारा दिन ही करते रहेंगे। तो जब इतनी डिमांड इंक्रीज हो गई है तो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सारी की सारी वो पूरी करें, हो ही नहीं सकती, ख़ास तौर पर जो उनके टैक्स लॉज हैं
उसके तहत ये है कि आप कुछ यहाँ बना लें कुछ कहीं और बनाए। वो उसको अब जो किसको रहे हैं, इंडिया को, चाइना को, पाकिस्तान कहीं किसी नाम में नहीं। मैंने इधर और ये जो आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, आप इनके साथ मिलकर तो एक कंपेरेटिव प्रोग्राम बना लें, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है ना, उनका जेन जो है ना, ये जो अरब स्टेट्स हैं, ये गौरवान देखती है। अब हमारा रंग तो गौरव हो नहीं सकता ना, हम तो जो बेसिकली पैदा हुए वही, तो नतीजा ये है कि वो आपके साथ आने को तैयार नहीं। ये है जी बायो फोरम जो हुआ 2006 में, और आइडिया ये था, और ये दुनिया में होते हैं, इंडिया में हो रहे हैं और मुल्कों में हो रहे हैं, कि आप इंडस्ट्री को यहाँ बुलाते हो और दूसरे इदारों, आप खुद भी और दूसरे इदारों को, तो सारे के सारे जो आपके पार्शल या सेमी प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स हैं या प्रोसेसेस हैं, उनको डिस्प्ले करते हो, इंडस्ट्री उसको देखती है, इंडस्ट्री को आप कन्विंस करते हो कि जनाब आप इसमें इन्वेस्ट करो तो आपका ये जो, लेकिन उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स, यदि ये इसकी मार्केट वैल्यू पाकिस्तान में इतनी है, इतना बाहर से आ रहा है, हमारा जो बनेगा वो इससे सस्ता होगा, हम इसको पुश आउट करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस वक्त सिर्फ ये है कि ये बायो फोरम हुआ, दिस इज़ अ लैंडमार्क। बायो फोरम में अपना ये अगेन आप बाद में बेशक पढ़ लीजिए, लेकिन जो एक मेन इसका आउटकम था ना, वो था जो मेरे देश में था, मैंने इसमें मेंबर्स नेशनल आपकी जो नेशनल असम्बली है वहाँ से वो आए हुए बैठे, ताकि अगर ये जाता है पार्लियामेंट के पास तो वो इसको सपोर्ट करें। इसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि जी एब्सेंस ऑफ सी डी एस की कंप्लायंस फैसिलिटी इज द मेन इम्पेडिमेंट। वो जवाब क्या है, खुद डेवलप करो। मैंने 100 लीटर की प्रपोज की कि हम डेवलप करेंगे, दो होंगी, एक छोटी 5 लीटर की और एक 100 लीटर की, और इसके लिए मैंने इंटरफेरॉन को ध्यान में रखते हुए और PCR डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ये दो प्रोडक्ट और BT कॉटन, ये कहा गया जी 2015 में हमें गवर्नमेंट से बजट नहीं चाहिए, हम अपने बजट से लेंगे। इसकी मेन रीज़न ये थी, उस जमाने में आपका ये प्रोग्राम नहीं था जो आप बता रहे मान साहब ने अपना बेशुमार पैसे दे दिए आपको, उस वक्त था कि आप वो जो गवर्नमेंट का स्पेस केयर है, BPS कहते हैं उसे, BPS पे आप हो और BPS पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैंने ये कहा कि जनाब हम उसको सप्लीमेंट करेंगे फ्रॉम आवर ओन रिसोर्स, लेकिन इवेंचुअली फिर मैंने कहा कि BPS छोड़ ही देंगे हम, टोटली अपना पे स्ट्रक्चर जैसे एटॉमिक एनर्जी ने किया हुआ है वो डेवलप करेंगे, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट के पैसे लोगे तो वो फाइनेंस करने की इजाज़त नहीं देगा। तो इसमें ये था प्लान, अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये तो सिर्फ है पिक्चर दिखाने के लिए कि जो पीपल वो मैटर एडवाइजर टू द प्रेजिडेंट थे, ये उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये आपके फोन है, मुझे पहले सुना है कहीं से कि ये रंग अब गायब हो गए हैं, ये 2008 का है, ये भी इसमें मेन ये था कि हमने स्पेसिफिक वर्कशॉप्स किए यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लेके अप्रूवल प्रोसेस जो बाद में ड्रैब ने अडॉप्ट कर लिया, समझ नहीं होता IP इश्यूज, ये इससे ना सर प्रॉब्लम मुझे नहीं पता कि सॉल्व हुआ है कि नहीं, BT कॉटन का IP इशू क्या होगा आपका, DNA फॉर जस्टिस, SIR, RNA टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन ऑन द यूज ऑफ GM क्रॉप, ये जिसकी वजह से आपके ये पोल्ट्री की फील्ड जो है वो बंद नहीं है। इसमें ये मैंने वही आपको पहले बार दोबारा दिखाया है कि मेन इसमें जो है एक और मैसेज मेरे लिए या हमारे लिए ये था कि इस सारे फोरम में आना कभी कभी ये कहा गया कि CGM की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो मुझे सपोर्ट मिल गई, हमें उस पर तावर मान के साइन करवाया और जहाँ भी जाता था PCML लेके वो लेके जाता था। जनाब ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपके असम्बली के लोग ही बैठे हुए थे, आपके साइंस प्लानर भी बैठे हुए थे, आपके जो है अपना मिनिस्टर वही बैठे हुए थे, उन सब मिल के कहा है। तो
इसका एक पीसी वन बनाया है। पीसी वन की जो मेन फीचर था वो ये सी ए बी बी एन जो मैंने कहा था उसकी मीटिंग है प्रपोजल फ्रॉम द सेंटर प्रोडक्टिविटी, ये उसका डिज़ाइन बनाया। और ये डिज़ाइन जो है ये USFDA से प्रोविजनली अप्रूव करवाया गया, ये हम अगर आप बनाओगे तो हम अप्रूव कर देंगे। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पहले, आप उनकी रिक्वायरमेंट बदल गई है। ये PC1 बना के ना तो सबमिट किया, फ्री श्री WPA ने अप्रूव हुआ और श्री WPA ने किसी ने इस पर डंग मारा और निकाल दिया। ये जो है ना, ये अगर आप आखिर तीन देखेंगे ना, टोटल बजट 60 प्रपोज किया था सोसाइटी के लिए और 60 से 90 पाँच सालों में जाएगा। लेकिन वो 90 जो है ना, पहले साल हम सारे का सारा GOP से नहीं, पहले साल 30 पाँच साल पहले साल जो है वो 60-65 सारे का सारा गवर्नमेंट से और अपनी अर्निंग सिर्फ 30 थे। लेकिन 30 के साथ ही हमने एंडोमेंट भी, लेकिन हम दो काम शुरू किए, एक उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, एक एंडोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आखिर में देखोगे तो आप देखेंगे कि जो ओन अर्निंग है उससे 30 की बजाय 85 पे चले गए। उनके बकायदा कैलकुलेशन करके दिखाया, ये नहीं है कि जी ऐसी फिगर लिख दी और उनसे कहा प्लानिंग कमीशन में से जनाब आप उससे डायलॉग करें, बताएं मैं आपको बताता हूँ जी किस तरह ये कैलकुलेट हुआ। वो कन्विंस हुए और इसका प्रूव कर दिया पी सी डब्ल्यू पी। सी डब्ल्यू पी मैंने लफ्ज़ बोला कि डर मारा किसने, हुआ ये कि HEC ने ही खुद विड्रॉ कर दिया। और वो लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमने कल रखा हुआ, उन्होंने कहा नहीं हम इसको नहीं चाहते, फिर कभी क्या आज तक नहीं हुआ। और मैं जो न्यूसेंस वैल्यू है ना आपके अपोजिंग फोर्सेस की, वो ये है कि ये कंप्लेन कह लीजिए या इशू कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट में लेके गया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि जी ये कराओ, तो फिर वो इधर उधर करके उन्होंने HEC ने फौरन में लिखा जी ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप इसको रिवाइज में भेजो, तो भेजा आपके जो प्रीडिसेसर थे। और मुझे नहीं उम्मीद के फ्यूचर में भी कुछ अनलेस के कोई और रास्ता आप करें, अल्लाह ताला से उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद आप हालात देख के रखें। बट पॉइंट हियर इज एक कॉन्सेप्ट वॉज एन आइडिया वॉज कि दिस इदारा, और ये मेरा बीन था कि दिस इदारा विल इवेंचुअली बिकम सस्टेनेबल, अपना इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग, आपकी अपनी फंडिंग जनरेट। आप हैरान होंगे हमारे अपने इदारे में से कुछ लोगों ने इसको पूछ दिया, उनके ये वो लोग होते हैं जिनको अपने आप पे यकीन नहीं होता, ये थ्रेट नहीं करते हैं जी प्राइवेटाइज कर देंगे तो समझे तो चांद काट देंगे। भाई अगर आपकी वैल्यू है तो आपको प्राइवेट बंदा क्यों नहीं करता, ये लोग समझते नहीं है। बल्कि प्राइवेट तो उसको डबल तनख्वाह दे के लाता है कि यार मुझे आपकी ज़रूरत है, गवर्नमेंट में आपकी कैपेबिलिटी है यानी कोई अहमियत नहीं होती है, ये लोग समझते हैं। यानी विद इन द सेंटर कुछ लोग यानी इन लफ्ज़ों में यानी हम इसके अगेंस्ट होंगे तो आप बिल्कुल हमारी जो गवर्नमेंट की सर्विस की एक मेन अट्रैक्शन है आप उसी को ख़त्म कर रहे हैं। उसका सर मैं आपको जनरल सेकंड करूंगा, वो जो सोचती ना वो बल्कि अब बंदे निकलेंगे अगर ये नहीं होगा, क्योंकि तो गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आएगी तो अगर ये होती तो फिर दूसरा भी कोर आप एब्सोल्युटली ये होता है बीएन इनकम बंद होता है। इन एनी केस अब मैं लास्ट स्लाइड आप जो रिहान ने कहा था लिखने के लिए, ये 2010 की बात कर रहा हूँ, आज क्या है वो आपको पता है, ये CEMB था और CEMB था ये बायोलॉजी और दो और वहाँ यूनिट बना लिए इधर जीनोमिक सेंटर बन गया, लेकिन मैंने तीनों को CEMB कहा है, CEMB कहा है MOSP का और HEC का। जो बेसिकली मैं अच्छा एक और बात, हमारे साइंटिस्ट में थोड़ी सी कमजोरी है, वो अब मुझे नहीं पता मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। मैंने बहुत कहा कि भाई आपका काम साइंस करना है, आपका काम मार्केटिंग करना नहीं है, मार्केटिंग इन इटसेल्फ इज एन एरिया देयर देयर आर अदर पीपल हु आर क्वालिफाइड, दे शुड बी एंगेज्ड इन दिस।
आप बाहर की कंपनियां ले रहे हैं, जो मर्जी ले रहे हैं, वहाँ आपको साइंटिस्ट नजर आएंगे। किसी वक्त हुआ टाइम तो मैं आपको वो मॉडल भी दिखाऊंगा कि यूरोप यूएस, क्योंकि मैं उसमें भी इन्वॉल्व रहा हूँ कि यूरोप यूएसए का प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है, पाकिस्तान में हम कैसे करते हैं। तो इवेंचुअली ऐसा के लिए ये जो आपका बनेगा ये फैसिलिटी, ये दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू बायोटेक पार्क, जिसका नाम भी प्रपोज कर दिया CCMB, बल्कि बाहर वो भी लगा दिया, साइन बोर्ड भी लगा दिया, CEMB, CAMB और CCMB। लोगों ने इसमें साइंटिस्ट मारे ने शिकायतें करके, तो मैंने एक्सप्लेनेशन की कि ये CCMB आपने कैसे बना दिया, ये तो कहीं से प्रूव ही नहीं हुआ। अब इस पर भी मैं बहस करता हूँ कि जनाब अप्रूव आप, अच्छा बात में डिटेल में नहीं जाता, आप पहले कंसीव करते हो फिर अप्रूव में नहीं जाते हो, ये मैंने कंसीव किया। तो अपना ये था ये फाइनल प्लान 2010 से 2020 की हिस्ट्री जो है वो आपको रिहान साहब को भी बताएंगे, हमने सवाल किया। और मार्केटिंग सेल्स जो है मेरे दिल में था कि प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, उसके एडवाइज़र हों आपके साइंटिस्ट, लेकिन साइंटिस्ट जो है वो लैब का काम करें, बस ये है जी। आपके डायरेक्टर साहब ने कोई सवाल नहीं, मैडम ने कुछ करना है तो यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली फ्रॉम स्टूडेंट्स। पहले तो इट्स रियली काइंड एंड ऑनर्ड के लिए डॉक्टर साहब ने आज हमें टाइम दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम, तो नहीं इंक्लूडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो बेसिकली आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारी हमारी फैकल्टी को जिन्होंने लेटर ज्वाइन किया उनको पता चला होगा कि हाउ दिस टू सेंटर्स इवॉल्व और इसके अंदर कितनी ज्यादा इनपुट अंडर द लीडरशिप, वेनरेबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर रियाउद्दीन जो है यहाँ पे क्या कुछ होता रहा और आज हम किस स्टेज पे यहाँ पे सारे के सारे इस फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इससे बात करूं तो डॉक्टर साहब ने 2-3-4 जगह पे मुझे मेंशन किया कि रेहान बताएगा कि क्या है, तो हकीकत यह है कि CEMB में ज्वाइन करने की सबसे बड़ी रीजन डॉक्टर साहब, अगर ये मुझे खुश ना करते तो आई वॉज रियली हैप्पी एंड स्टेबल एट बहाउद्दीन ज़ाकिर यूनिवर्सिटी मुल्तान। ही वॉज द पर्सन हु पुश्ड मी के जी ये पोस्ट आई है तो आप अप्लाई करें, और ये मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं अगर इधर हूँ तो डॉक्टर साहब की वजह से हूँ। सेकेंड जो टू मी जो मेरा एक सबसे बड़ा मैं फील प्रिवलेज एंड ऑनर्ड के जी आई एम अ डायरेक्ट स्टूडेंट एज अ PhD स्कॉलर ऑफ हिम, I worked under his supervision for almost 6 years और we learned a lot। और अक्सर ये होता था कि डॉक्टर साहब ये जितनी सारी एफर्ट्स डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन की हैं ह्यूमनली एक आदमी के लिए मैं आज सोचूं तो इट्स नॉट पॉसिबल जो ये सारी एफर्ट एक्सप्लेन की गई हैं इस वक्त, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्टनली इनके पीयर्स जो साथ काम करते थे उनकी भी बहुत ज़्यादा इनपुट है, लेकिन VN जो है वो डॉक्टर एस रियाउद्दीन का था जो इस सारे को लेकर चलते रहे। और मैं आज ये एतराफ़ करने के लिए तैयार हूँ कि बहुत सारी चीजें जो 2010 से ऑनवर्ड डीरेल हुई उसके अंदर भी सर्टनली कुछ ना कुछ हमारी नलायकी है, और मैं इस वक्त डॉक्टर साहब के सामने
और मोहज साहब सर्टन भी, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट के जी ये जो ग्लोरी पीछे और एक पूरी हमारी हिस्ट्री है सीईएमबी की नोवेलिटी की वो आगे कंटिन्यू हो. वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम चीज़ों को दोबारा निटिन करें जो पीछे अगर कुछ सेपरेट हुई हैं. और ये सारी एफर्ट जो आज आपको नज़र आ रही है इसके पीछे भी यही था कि सारे स्टूडेंट्स को सारी फैकल्टी को इकट्ठा बिठाया जाए, चीज़ों को निटिन किया जाए और इम्प्रूव किया जाए. और ये अगर मुआज साहब और डॉक्टर साहब रिकॉल करेंगे तो दिस इवेंट वाज एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड अरेंज्ड फॉर 10th अक्टूबर. तो मेरे पास एक्चुअली जस्ट ऑन वेडनेसडे जो है डॉक्टर उस्मान आया कि सर इसको 5 को कर लें कि फॉर द टीचर. तो और मैडम बुशरा ने भी इनिशियली कहा कि जी डॉक्टर एलजिन इज टीचर्स फॉर ऑफ टीचर्स. तो बेसिकली फिर हमने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि जी 5 अक्टूबर है फॉर दैट जो रियलिटी है कि जी इट्स रियली एन ऑनर एंड ट्रिब्यूट हम देना चाहते थे डॉक्टर साहब को कि जी उनकी एफर्ट्स की वजह से आज ये एक मिनी यूनिवर्सिटी है. रादर आई वुड से कि आज इसको अपग्रेड करना पड़े किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी किसी भी वक्त एक मोलेकुलर बायोलॉजी की यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो सकता है. इतनी फैसिलिटीज और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इस जगह के ऊपर मौजूद है कि आप इसको बहुत ईजिली, मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह जो इस वक्त मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज डायरेक्टर सीईएमबी और डॉक्टर मुआज साहब पे और हमारे सारे कुलीग हमारे बाजू बने और वी अचीव दैट वीएन जो डॉक्टर साहब ने सोचा था और अल्लाह हमें ये ताकत दे कि जी हम इनकी गाइडेंस के अंदर इसको आगे लेके चल. विद दिस आई थैंक यू ऑल के जी आप सारों ने बड़ा पेशेंटली और इंटरेस्टिंगली सुना एंड अ सैल्यूट टू डॉक्टर एलजी. कैमरा मैन फ्रंट से पैनोरामा पे सबको कवर करेंगे. सब अपनी अपनी जगह.